इंडिया गोल्ड टॉफी टो। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MBH मसाले किचन किंग हो या गरम मसाला पाव भाजी या जल्दी चाट मसाला असली मसाले सच सच MBH MBH। पापा पापा ये देखिए अब इंश्योरेंस सिर्फ ₹1 में, ऐसा कैसे? हाँ बेटा, क्योंकि हमारे पीएम लाए हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बेटा अगर कल को मेरा एक्सीडेंट हो जाए। नमस्कार, वंदे मातरम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। और मैं हूं अंजलि भंडारी। जी हां, बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान सलीम खान को गैर इरादतन हत्या के मामले में, हिट एंड रन के मामले में, 13 साल पुराने इस मामले में उन्हें दोषी करार दे दिया गया है। दोषी करार देने के बाद उन्हें सजा भी सुनाई गई, 5 साल जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन बावजूद इसके वो जेल नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें तत्काल 2 दिन की राहत मिल गई है। यानी जो सजा सुनाई गई है उसकी कॉपी जब तक उन्हें मिल नहीं जाती है तब तक वो जेल नहीं जाएंगे। शुक्रवार तक की मोहलत उन्हें मिली है, शुक्रवार के बाद हो सकता है उन्हें फिर से जेल जाना पड़े। लेकिन फिलहाल करते हैं वंदे मातरम की शुरुआत। हम इसमें इसी बात पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में हमारे साथ वकील धर्मेंद्र आर्या रहेंगे जो कि क्रिमिनल लॉयर है, और इसके अलावा मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, बॉलीवुड के स्टार हैं और सलमान के फैन भी हैं, बिग बॉस में भी सलमान के साथ काम कर चुके हैं। तो करते हैं वंदे मातरम की शुरुआत। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो सलमान खान को सजा सुनाई गई है उस पर हमारी खास रिपोर्ट। हीट एंड रन केस में सलमान को सजा, 5 साल की सजा और साथ ही 25,000 का जुर्माना, गैर इरादतन हत्या के आरोप में सजा। सलमान को मिली 2 दिन की अंतरिम जमानत। हाई कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई। 13 साल बाद दिसंबर 2002 की उस रात को लेकर आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हीट एंड रन केस में मुंबई के सेशन कोर्ट ने सलमान खान को सभी आरोपों का दोषी माना है और 5 साल के कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सलमान को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए कहा कि सलमान सभी मामलों में दोषी हैं। कोर्ट ने कहा कि उस वक्त सलमान नशे में गाड़ी चला रहे थे जिसकी वजह से हादसा हुआ था। साल 2002 27 दिसंबर की रात जब बांद्रा की अमेरिकन लॉन्ड्री के सामने सलमान खान की लैंड क्रूजर गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई, बेकरी में काम करने वाले 4-5 मजदूर फुटपाथ पर सो रहे थे, गाड़ी 3 सीढ़ियों पर चढ़ गई, पहिए के नीचे कुचलकर एक की मौत हो गई, वहीं इस हादसे में 4 घायल हो गए थे। इस मामले में सबसे अहम गवाह बने सलमान खान की सुरक्षा में सिपाही रविंद्र पाटिल, जो उस वक्त उनकी सुरक्षा में तैनात थे, जिसने बयान में बताया था कि सलमान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। पाटिल ने सलमान को समझाया था कि आगे मोड़ है, लेकिन सलमान ने गौर नहीं किया और उसके बाद ये हादसा हुआ था। इस मामले में सलमान पर धारा 304(2) यानी गैर इरादतन हत्या, धारा 279 यानी तेज रफ्तार में लापरवाही से ड्राइविंग करना, धारा 337 और 38, धारा 427 यानी गलत हरकत से संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 34(a)(b) के साथ धारा 181 और 185 और बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए। 12 वर्ष पुराने इस मामले में न्यायाधीश DW देशपांडे ने 49 वर्षीय अभिनेता के खिलाफ फैसला सुनाया। इस मौके पर सलमान और उनका परिवार अदालत में मौजूद थे। अदालत ने कहा कि सलमान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। सलमान पर आए इस फैसले से जहां एक तरफ उनके फैंस में खासी नाराजगी देखी जा रही है, वहीं बॉलीवुड जगत भी दबंग पर इस फैसले से सकते में है।
आपको बता दें कि इस समय बॉलीवुड का 200 करोड़ रुपए दांव पर लगा हुआ है। वहीं देखना ये होगा कि सेशन कोर्ट द्वारा सुनाए इस फैसले पर सलमान को हाई कोर्ट में जमानत मिलती है या नहीं। जी हां, तो करते हैं वंदे मातरम की शुरुआत और सबसे पहले चलते हैं मनोज तिवारी जी के पास। मनोज तिवारी जी, आप नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, दबंग भी हैं, गायक भी हैं और स्टेज शो भी करते हैं, परफॉर्मर भी हैं आप। पहली प्रतिक्रिया हम आपसे लेंगे, उसके बाद हम आपसे एक राजनेता होने के नाते भी आपसे हम प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन बॉलीवुड के आप पार्ट रहे हैं और अभी भी हैं, अभी भी आप काम करते हैं उसमें। पहली प्रतिक्रिया जो बॉलीवुड की तरफ से आ रही है, सहानुभूति की लहर है सलमान के सजा हो जाने के बाद से, आपको क्या लगता है? आप भी सहानुभूति रखते हैं सलमान खान से, या आपको लगता है कि ये देर से सही फैसला आया है लेकिन काफी देर से आया है? देखिए, जहां तक आज के घटना की बात है, आज की जो डिसीजन आया है, दुखी मैं उससे बहुत ज्यादा हूं, क्योंकि सलमान खान के बारे में इतना ही मैं कह सकता हूं कि उससे आप जब जब मिलिए आपको बार बार मिलने का मन करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के व्यवहार में, बातों में इतनी मिठास है। वो अपने साथ काम करने वाले को एक्टर्स के साथ उनको जितना सम्मान देते हैं, मैंने भी महसूस किया जब मैं बॉलीवुड में गया, जब सलमान भाई से भेंट हुई तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बिहेव किया। मेरा ये, मैं तो यही कह सकता हूं कि कानून का तो और माननीय न्यायालय का सब कोई सम्मान करेगा और हम भी करते हैं, लेकिन सलमान भाई को जो सजा मिली है उससे मन तो दुखी है। बिल्कुल, मन तो दुखी है, उनके फैन भी दुखी है। हमारे साथ एडवोकेट धर्मेंद्र आर्या हैं। धर्मेंद्र आर्या जी, आप बताएं, जैसे मनोज तिवारी जी दुखी हैं और भी बहुत सारे हमारे पास जो प्रतिक्रियाएं आई हैं बॉलीवुड से, दुखी है। हेमा मालिनी भी कह रही कि दुख हो रहा है मुझे सलमान खान के जेल जाने का, लेकिन इस बीच में पहले देर बजे जो सजा आई थी, जो 5 साल की सजा, उन्हें आज ही जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन 3 घंटे में फिर ऐसा क्या हुआ जो उन्हें 2 दिन की और मोहलत मिल गई? शुक्रवार तक जब तक पेपर उनके पास नहीं है, सजा की कॉपी नहीं मिल जाती है, तब तक जो है वो जमानत पे रहेंगे, अंतरिम जमानत पे। देखिए, दरअसल बात यह है कि जितने भी उनके फैन हैं उनका दुखी होना लाजमी है, लेकिन दरअसल बात यह है कि कानून भी अपना काम करेगा। जब कानून के अंदर इस तरह के कार्य की 10 साल तक की सजा है या फाइन है या दोनों है, इस तरह का प्रावधान है, क्योंकि जिस तरीके का कार्य किया है, जरा आप उसके परिवार से जाकर के पूछिए जो इस हादसे में मरा है, या उन लोगों से पूछिए जिनको जो है परमानेंट इंजरीज हुई है, जो जिनके टांग कट गई है, वो आज भी जो है सड़कों पर घूम रहा है और अभी तक वो कहता है कि पिछले 13 साल में मुझे तो किसी ने आकर के नहीं पूछा, ना मेरे दर्द के किसी ने बांटने की कोशिश की। देखिए, हर व्यक्ति कानून के सामने इक्वल है, चाहे वो बिल्कुल कानून के सामने वीआईपी है, चाहे एक आम आदमी है। जी मनोज तिवारी जी से मैं पूछना चाहूंगी, मनोज तिवारी जी, सेलिब्रिटी होना इस देश में बहुत बड़ी बात है, काफी फैन फॉलोइंग होती है सेलिब्रिटीज की, लेकिन सलमान खान के केस में अगर देखा जाए तो पूरी सुनवाई के दौरान ये भी मुद्दा उठा था जो अभियोजन पक्ष है, उन्होंने कहा था कि वो एक सेलिब्रिटी है, उनकी काफी फैन फॉलोइंग है, लेकिन इससे जनता में ये संदेश न जाए कि सेलिब्रिटी है इसलिए उन्हें कम सजा दी जा रही है। क्या सेलिब्रिटी होने की वजह से भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर काफी लाइमलाइट में रहा और देरी हुई? आप कितने सहमत हैं इससे, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने ये पूरा मामला उठाया कि सेलिब्रिटी है, जनता तक जो संदेश है वो अच्छा जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो हमारे दूसरे साथी हमारे वकील साहब हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि जिस परिवार पे ये विपदा गुजरी है उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। और देखिए, गुनाह की तो सजा होती है, हमारे हम माननीय न्यायालय के हर निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन जो प्रेम है हमारा सलमान से गलती हुई, इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी सजा से हमारे जैसे कई लोगों का मन व्यथित है, क्योंकि हम उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो एक गलती हुई है। दूसरी बात, जो आपने कही सेलिब्रिटी होने की बात जी, तो इसका भी तो थोड़ा होता ही है कि जब आप सेलिब्रिटीज का जब केस आता है तो मीडिया भी उसको
अच्छे से बताती है और इसका सबको जल्दी संज्ञान में आता है कि हाँ ये सजा हुई है और उसमें अगर कोई चूक हो जाती है तो सबको सावधान रहना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो सेलिब्रिटी होने के कारण होता ही है। बिल्कुल मनोज जी, एक सवाल यहाँ उठता है, जो सेलिब्रिटीज होते हैं जैसे आप भी हैं, मैं आपको भी उसमें गिनता हूँ, और आप लोग जनता के बीच में एक रोल मॉडल के रूप में भी जो समझे जाते हैं, रोल मॉडल लोग मानते हैं, एक गांधी को कोई रोल मॉडल मानता है तो गांधी जी कुछ भी करते थे तो पहले उसको अपने आप में जो है उसका उसकी परीक्षा करते थे, सत्य की भी परीक्षा लेते थे, पहले वो खुद पे आजमाते थे उसके बाद कुछ करते थे। लेकिन आज जो जिस तरीके से सेलिब्रिटीज, अब सलमान खान की ही बात करें, अगर उनसे गलती हुई जैसा कि आप भी कह रहे हैं तो उन्हें गलती स्वीकार कर लेना चाहिए था शुरू में। गलती अगर स्वीकार कर लेते और तब वो कोर्ट के पास जाते तो लोगों को, जो उनके फैंस हैं, उनको भी अच्छा लगता जी कि वो जिसको रोल मॉडल मान रहे हैं वो उनके लिए एक जो है उदाहरण पेश कर रहे हैं इस तरीके का। तो क्या रोल मॉडल जो जनता जिनको मानती है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं आती है कि वो इस तरह के मामले में और दूसरे लोगों के से थोड़ा हट के बिहेव करें? अब देखिए, इस मामले में सलमान भाई ने क्या क्या किया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो देश को एक मैसेज जाता है कि अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आपको और भी संभाल के चलना पड़ेगा, कोई भी गलती का कोई क्षमा नहीं है, और अगर कोई और गलती करे तो हो सकता है अनदेखी हो सकती है, मगर आप रोल मॉडल हैं, आप सेलिब्रिटी हैं तो आपको और भी सावधान होकर चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर जो कानून है वो सबके लिए एक है, ये कहना है। धर्मेंद्र आर्य जी, मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि सेलिब्रिटीज यहाँ पर बात चल रही है और ऐसे ये पहला केस नहीं है अपने आप में, इससे पहले संजय दत्त का भी अगर केस ले लिया जाए उस समय भी शायद मीडिया में इसी तरीके की सुर्खियां बनी हुई थी कि सेलिब्रिटीज स्टेटस वाले जो लोग होते हैं रोल मॉडल्स होते हैं, लेकिन एक संदेश जनता में अच्छा जाना चाहिए। लेकिन इस केस की अगर यहाँ पर बात करिए धर्मेंद्र आर्य जी, तो इसमें एक ये भी निकल कर आया है कि सलमान खान का जो बिहेवियर है, साथ ही साथ उनकी चैरिटीज जिस तरीके से बींग ह्यूमन जो है उनका वो रहा है, साथ ही साथ इस बार उनकी ये दलील दी गई है कि उनकी जो तबीयत है वो भी खराब है, क्या इस तरीके की दलीलों से क्या कुछ केस पे असर पड़ेगा या आगे इस तरीके के केस पे असर पड़ेगा? जो गुनाह हुआ है उस पर तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां तक सजा की बात है, सजा के समय ये सारी बातें जरूर कंसीडर की जाती हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे संजीव नंदा का केस था जिसके अंदर 6 लोग कुचले गए थे और वो भी काफी सेलिब्रिटी थे, और वो भी काफी बीएमडब्ल्यू केस जो आपको याद आ रहा होगा, 2012 में जो है सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस केस को भी कंसीडर किया था, उस केस के अंदर जो है 2002 साल से कम की सजा हुई थी और उसके साथ साथ जो है उसको 50 लाख रुपए जो है जुर्माना हुआ था, ताकि वो 50 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे। जैसे हिट एंड रन के केसेस होते हैं उनमें वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बाकी क्योंकि उसने, संजीव नंदा ने, जो लोग विक्टिम थे उनको काफी पहले से ही कंपनसेट कर दिया गया था, इन सारे हालातों को ध्यान में रखते हुए केवल मात्र उसी केस के अंदर इस तरह का जो है कोर्ट का फैसला आया था जिसमें 2 साल से कम की सजा की गई थी। लेकिन यहां पर क्या है कि जहां तक बात आती है कि इसे 2 दिन के जो है, इनको 2 दिन का जो इंटरिम रिलीफ मिला है वो तो कानूनन सही है, क्योंकि दरअसल बात यह है कि जिस समय, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही सजा आप वो करते हैं, अनाउंस करते हैं, वैसे ही आपको उसकी सर्टिफाइड कॉपी उसी समय मुलजिम को हैंडओवर करनी होती है, और उसके साथ साथ जिस समय आप सजा जो है वो देते हैं, जैसे कि इस केस के अंदर सेंटेंस जो है 5 ईयर्स की दी गई है, वैसे ही कोर्ट की ये ड्यूटी बनती थी कि एक तो जजमेंट की कॉपी जिसके अंदर उसको कन्विक्ट किया गया है, ताकि जो है उसे ये एहसास, जो मुलजिम है उसको ये पता होना चाहिए जिसको आप सजा दे रहे हैं कि मुझे किन किन ग्राउंड्स पर जो है सजा हुई है। दूसरी बात, जो सेंटेंस का ऑर्डर आप पास कर रहे हैं वो भी साथ की साथ ही देना होता है। इन केसेस के अंदर जैसा कि बताया जा रहा है कि वो नहीं दिए गए, तो इस हालात के अंदर जो है उन्होंने जो है इसी चीज का फायदा उठा करके जो है माननीय हाई कोर्ट के अंदर जा करके अपील जो है प्रार्थना की है कि हम अपील फाइल करने जा रहे हैं। आर्य जी, एक सवाल मैं और जानना चाहूंगा, दर्शक भी मेरे ख्याल से ये जानना चाहेंगे, आपने कहा जो गैर इरादतन हत्या का जो मामला होता है उसमें मैक्सिमम 10 साल की सजा होती है और नंदा के केस में भी 2 साल से कम की सजा हुई है, गैर इरादतन और हिट एंड रन मामला जो है दोनों एक तरीके का मामला है या दोनों अलग अलग मामला? पहले ये देखिए, दरअसल दोनों एक ही तरह का है, इसीलिए ये गैर इरादतन हत्या हुई। अगर मान लो वहां पर एक्सीडेंट, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक गैर इरादतन हत्या के एक मामले में एक और सेलिब्रिटी, आप नवजोत सिंह सिद्धू को याद करें,
तो वो भी फंसे थे गैर इरादतन हत्या के मामले में, रोड रेस का मामला था और उन्होंने एक ही मुक्के में जो है एक बुजुर्ग की जो है उनकी मौत हो गई थी, तो गैर इरादतन हत्या का मामला बना था लेकिन 6 महीने में ही वो छूट गए थे। देखिए दरअसल बात यह यहाँ पर क्या है कि अगर जज चाहे तो उसे एक दिन की सजा भी ना दे, क्योंकि क्या है कि खाली टीआरसी दे दे, टीआरसी का मतलब जब तक कोर्ट बैठी हुई है तब तक की सजा दे, क्योंकि कानून के अंदर ही ऐसा प्रावधान है 10 साल तक की, यानी कि एक दिन से लेकर 10 साल तक की सजा दी जा सकती है या सिर्फ फाइन भी किया जा सकता है या दोनों किए जा सकते हैं। यहां सेंटेंस की जहां तक बात आती है वहां पर देखा जाता है कि व्यक्ति का कंडक्ट थ्रू आउट ट्रायल कैसा रहा, व्यक्ति के जो है ना उस समय व्यक्ति ने कितनी उनकी विक्टिम की मदद की या किस तरीके से उसके बाद उनकी मदद की, या व्यक्ति का जो है पूरा जो है इस तरीके का कोई ऐसा वो नहीं था, रोल नहीं था या इस तरीके से, क्योंकि यहां पर क्या है कि सलमान के खिलाफ जो आरोप लगाया गया है कि वो वहां पर एक्सीडेंट होने के बाद वहां से भाग गए, अगर वहां पर सलमान गाड़ी रोक लेते और उसके बाद जो विक्टिम थे उनकी हाँ। पूरी मदद करते उन्हें हॉस्पिटल ले जाते तो शायद ये मामला शायद दूसरा बनता, खाली एक्सीडेंट का केस ही बनता बिल्कुल, क्योंकि वहां पर होने के बाद वो चले गए ना, इसी बात से जो है गैर इरादतन हत्या जी बिल्कुल। धर्मेंद्र आर्य जी बिल्कुल आपके पास भी आएंगे हमारे साथ और मनोज तिवारी जी भी जुड़े हैं। फिलहाल ग्राफिक के जरिए हम दर्शकों आपको दिखाते हैं कि कब और क्या हुआ था। 19 सितंबर 2002 को सलमान खान को हिट एंड रन केस में आपको बता दें कि जमानत मिली थी। 2 मई 2003 तो 3 अक्टूबर 2007 हिट एंड रन केस के मुख्य गवाह की मौत हुई थी 3 अक्टूबर को। 24 जुलाई 2013 सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या का आरोप दर्ज हुआ था। वहीं 24 नवंबर 2014 सरकारी वकील ने हिट एंड रन केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने को कहा था। उसके बाद 8 मार्च 2015 कोर्ट ने कहा कि सलमान खान के मृत बॉडीगार्ड की गवाही को केस में इस्तेमाल किया जा सकता है। 10 अप्रैल 2015 सरकारी वकील ने सलमान खान को आपको बता दें गैर इरादतन हत्या में 10 साल जेल की सजा सुनाने की मांग की थी और 6 मई 2015 सलमान खान को 2002 हिट एंड रन केस में दोषी करार दिया गया, जिसके बाद उन्हें 5 साल की जो सजा है वो सुनाई गई है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में जब इस पर सुनवाई हुई तो उन्हें आपको बता दें कि जो 2 दिन की अंतरिम जमानत है वो दे दी गई है और परसों इस पर सुनवाई होगी। हमारे साथ धर्मेंद्र आर्य जी भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र आर्य जी, जिस तरीके का पूरा मामला है लेकिन एक बात यहाँ पर सामने और निकल कर आ रही है, कमाल खान एक ऐसा नाम जो उस समय सलमान खान के साथ था इस पूरे मामले में, उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है वो इंग्लैंड में है ना, उन पर कुछ भी अभी तक कार्रवाई की गई है, कुछ सुनवाई या उनसे पूछताछ इस मामले में कमाल खान के बारे में कोई भी कुछ बोलने तक को तैयार नहीं है। देखिए दरअसल बात यह है वो प्रोसिक्यूशन के एक विटनेस थे जी, एक विटनेस की हैसियत सिर्फ इतनी है कि वो कोर्ट में आकर के अपनी गवाही दे। अब अगर मान लो वो कोर्ट में आकर के गवाही नहीं दी लेकिन बाकी जो विटनेसेस है उनकी गवाही पर जो है केस सारा दारोमदार केस का बनता है और उनकी गवाही के ऊपर जो है ये बात निकल करके सामने आई है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करने में कामयाब हुआ है। जैसे कि जो वहां पर आई विटनेसेस थे उन्होंने बताया है कि जिस समय यह एक्सीडेंट हादसा हुआ वो हादसे के वक्त वहां पर मौजूद थे और उन्होंने देखा है कि ड्राइविंग सीट से जो है सलमान खान उतर करके और वहां से जो है वो भाग गए हैं। बिल्कुल तो दरअसल बात यह है वो अपने आप में क्लियर केस था। तो ऐसे में अगर मान लो वो कमाल खान नहीं भी आए तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दरअसल बात यह जो FIR दर्ज हुई थी उनके जो बॉडीगार्ड पुलिस ऑफिसर जो था उनके साथ में मौजूद था और उनकी जो कंप्लेंट थी उसके बेसिस के ऊपर जो है बॉडीगार्ड की मौत भी हो गई थी बाद में। अब हमारे साथ मनोज तिवारी जी जुड़े हैं। मनोज जी, मनोज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब से सजा सुनाई गई है, जब आज 1:30 बजे सजा करीब सुनाई गई थी, आप काफी करीब रहे हैं सलमान खान से, सलमान खान के परिवार से और बॉलीवुड के काफी लोग जो हैं उनके परिवार से इस बीच में बात कर रहे हैं, सलीम साहब से बात करी है, उनके भाई से बात करी, क्या आपने संपर्क करने की कोशिश की है सलमान खान से या सलमान खान के परिवार से, क्या किसी तरह की कोई बातचीत हुई है आपकी? जी हमारी बात हुई, हमारी सोहेल भाई से बात। और देखिए मैं
अब तो जो माननीय न्यायालय ने जो भी निर्णय देना है दे ही दिया है। पीछे आपने बोला था कि सही क्यों नहीं बोल दिया, अब मुझे ये नहीं पता सही क्या गलत क्या, लेकिन जब माननीय न्यायालय ने ये डिसीजन दिया कि वो उनका दोष था, तो अब ये हम मान के चलते हैं कि उनका दोष था, ये गलती हुई। नहीं, मैंने भी सजा आने के बाद ही कही है, परिवार के सही क्यों नहीं बोल दिया, जब सेशन कोर्ट ने कह दिया उन्हें दोषी करार दिया है उसके बाद मैं कह रहा, तो उसके बाद तो आप कह ही सकते हो आप जी। जी मनोज जी, नहीं हम ये कह रहे हैं कि वो ठीक है, अब कोर्ट ने माना कि दोषी है तो दोषी है, हम इसको चैलेंज तो नहीं कर सकते, और पूरा परिवार दुखी है, क्योंकि हम लोग हम ये नहीं मांग कहते कि हम इस निर्णय का कहीं से उसके विरोध कुछ बोल रहे, नहीं, माननीय कोर्ट के हर निर्णय का सम्मान है, क्योंकि सलमान से ऐसा रिश्ता रहा है पूरे देश का कि उनको सजा मिलेगी, 5 साल का मिला है, आगे जो भी होगा तो दुख तो होगा ही। बिल्कुल, इस समय प्रार्थना कर सकते हैं मालिक के ऊपर वाले से जी कि उनकी सजा कम से कम हो, यही आज कह सकते हैं। मनोज तिवारी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, बिग बॉस के टाइम आपको देखा गया था, दर्शकों ने देखा था, उस समय सलमान खान होस्ट कर रहे थे उस शो को, उस दौरान आपके और सलमान खान के कुछ क्लैशेस इस दौरान दर्शकों के सामने आए थे? हाँ, देखिए बिग बॉस के दौरान जब सलमान भाई से हमारी सारी बातें खुल के होती थी जी, तभी तो मैं जाना कि वो कितना दिलदार व्यक्ति है, एक दो बार हमारे उनके मतभेद भी हुए थे जी, बिल्कुल, लेकिन उस मतभेद को वो ये सोच के कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं, मनोज तिवारी रीजनल स्टार है, तो हम उसको क्रश कर दें या उसको न सुने, ऐसा नहीं किया। उन्होंने हम लोग बैठे, जो बातें थी इस पे मिले, और ऑन स्क्रीन पूरी दुनिया ने देखा था कि जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे बिग बॉस फिनाले में, सलमान ने हमें गले लगा लिया था, वो बड़े दिल का व्यक्ति ही कर सकता है, तो ये सब चीजें याद रहती हैं जो उसके दिल की सच्चाई को बताती हैं। बाकी जो कुछ भी हुआ है उसमें हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए कि उनके परिवार को ये दुख जो भी सदमा है बर्दाश्त करने की क्षमता दे। बिल्कुल मनोज जी, साथ में हम उन परिवार के प्रति भी सांत्वना व्यक्त करते हैं जो हिट एंड रन मामले में है मारे गए हैं, जो हादसे के शिकार हुए हैं उनके प्रति भी कर रहे हैं। वैसे सलमान खान के लिए आगे बिल्कुल का रास्ता खुला हुआ है, आगे वो जाएंगे वहां पर उन्हें जो बिल के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके लिए रास्ता खुला हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। मैं नहीं, जो परिवार इस दुर्घटना में जो भी उसको घायल हुए या जो नहीं रहा उसके लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना है, उनको भी इस दुख को बर्दाश्त करने की क्षमता दे। बिल्कुल, तभी हमारे पास जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के भी जो एक सदस्य हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मामले पे, सजा पे, खासतौर पे सजा के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया थी वो भी हम आपको सुनाते हैं। अब्दुल साहब है हमारे साथ, वो उन्होंने क्या कहा है उसको पहले सुन लेते हैं। अभी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उसको मान लिया, अगर सजा हो जाएगी तो जो हमारा पैर टूटा हुआ, जो हमारा 13 साल बेकार हो गए हैं, उससे तो मतलब हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा ना पैर सही हो जाएगा और ना हमारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि जो है हमारा पैर जो है टूट गया है और उससे जो है मतलब सजा भी ना हो और हमारा जो है परेशानी जो है मतलब जो 13 साल बेकार हुए वो हमारा मतलब सही से मतलब कटे। जी हमारे साथ फोन लाइन पर रजा मुराद जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है रजा मुराद जी आपका। हेलो जी रजा मुराद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी रजा मुराद जी, आज जिस तरीके से पूरा देश देख रहा है कि सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई है सेशन कोर्ट द्वारा, हालांकि 2 दिन की जो अंतरिम जमानत है वो दे दी गई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए ये तो सबके लिए बड़ा दुखदायक समाचार है जी, इंडस्ट्री के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके लिए, उनके जो करोड़ों फैंस हैं, प्रशंसक हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए बहुत ही दुखदायक समाचार है। और वो जो इन पे 1,000 करोड़ का सरमाया लगा हुआ है, तो ये खैर उसका ताल्लुक जो है जुडिशरी से नहीं है जी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो अंतरिम जमानत मिली है 2 दिन की, मुझे लगता है कि आगे चल के ये जमानत जो है ये
और ज्यादा इन्हें मिलेगी जैसे संजय दत्त को मिली थी, क्योंकि इन्होंने जो आरोप है इन पे वो गैर इरादतन हत्या का है जी। तो जो जिसकी भी हत्या हुई है सोचा समझा मंसूबा नहीं था जिसके तहत हत्या की गई, वो एक एक्सीडेंट के तहत हो गए। तो सलमान खान देशद्रोही नहीं है, सलमान खान कोई आदी या पेशावर मुजरिम नहीं है, सलमान खान जो है एंटी सोशल एलिमेंट नहीं है, सलमान खान एंटी नेशनल एलिमेंट नहीं है। सलमान खान एक शहरी है, एक जिम्मेदार शहरी है जो करोड़ों रुपयों की शक्ल में टैक्स देते हैं। बिल्कुल राजा मुराद साहब, जितने भी बॉलीवुड के आप लोग अभिनेता हैं सभी सहानुभूति जता रहे हैं, हमारे साथ मनोज तिवारी जी भी हैं, उन्होंने भी सहानुभूति जताई है और प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें आगे की कोर्ट से राहत मिले और कम से कम सजा मिले। लेकिन एक बात यहाँ पर है, आप कह रहे हैं कि वो एक जिम्मेदार नागरिक है, जिम्मेदार शहरी है और उन्होंने कोई गैर इरादतन का मामला बनता, सही में गैर इरादतन हत्या का मामला है, लेकिन क्या सलमान खान को जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब स्पॉट पे रुक करके जो पीड़ित थे जो घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाना चाहिए था? हीरो थे वो, एक समाज में उनकी जो इमेज है एक अभिनेता के रूप में है, और इस तरह के मामले में जो रोल मॉडल होता है जो हीरो होता है वो उससे लोग सीखते हैं। अगर वो इस तरीके का उदाहरण पेश करते तो शायद मुझे लगता है कुछ ज्यादा अच्छा मैसेज जाता। आपने जो सवाल किया है उस सवाल का जवाब वो कई बार दे चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि वहां पे जो क्राउड जमा हो गया था वो उग्र हो रहा था, वो उन्हें मारना चाह रहा था, जैसे लोग उत्तेजित हो जाते हैं और उस वजह से उन्हें वहां से हटना पड़ा। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की हत्या भी हो जाती है जिसे अंग्रेजी में लिंच कहते हैं, मॉब लिंचिंग कहते हैं जी। तो ऐसी सूरत हाल जैसा कि वो कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल वहां बन गई थी जिसकी वजह से। हमारे साथ धर्मेंद्र आर्या जी हैं, वकील हैं, क्राइम लॉयर हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। दरअसल बात यह है कि अगर मान लो वो चले गए थे वहां से तो सीधे जाकर के पुलिस स्टेशन चले जाते और 11 घंटे के बाद जो है वो पुलिस को जाकर के उनको गिरफ्तार करना पड़ा, क्योंकि क्या है कि इससे साफ जाहिर होता है कि वो उस समय इतनी ज्यादा शराब पिए हुए थे, 11 घंटे समय लगा उनको थोड़ा सा नॉर्मल होने में। बिल्कुल, क्योंकि दरअसल बात यह है कि एक व्यक्ति जो कि इस समाज के लिए आदर्श है, जिसके करोड़ों करोड़ों फैंस हैं, क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती कि उस समय जो है बहुत संभल करके गाड़ी चलाएं? क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती कि वो आम आदमी के लिए जिस तरीके से रोल मॉडल है उनके और ज्यादा ड्यूटी हो जाती है समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति जो वहां उस सड़क के ऊपर तड़प रहा है उसके प्रति बहुत ज्यादा ड्यूटी हो जाती है। ठीक है, मैं मानता हूं कि उस समय, आज जिस तरीके से दिल्ली में कई हादसे हम देखते हैं और बाकी जगहों पर ऐसे हादसे देखते हैं कि गाड़ियों में आग लगा दी जाती है, व्यक्ति को मार दिया जाता है, लेकिन क्या है कि मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई हालात इनके साथ में थे। इससे क्या है कि उनके वहां से चले जाने से जो है यही एक कारण रहा कि गैर इरादतन हत्या का केस उनके ऊपर बना। शायद एक्सीडेंट हो गया था, वो एक्सीडेंट था, उस समय उन लोगों की मदद करते तो शायद ये गैर इरादतन हत्या का केस ना बनकर के केवल मात्र एक्सीडेंट का केस रह जाता, क्योंकि एक दुर्घटना थी, दुर्घटना हो गई, उसके बाद उन लोगों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश की गई ताकि इनका कोई भी ऐसी बात इनके ऊपर ना आती। बिल्कुल, जो आज इनके ऊपर आई। बिल्कुल, राजा मुरादी हमारे साथ लगता है संपर्क नहीं रहा, राजा मुरादी अब नहीं लाइन पे। एक बात पे और यहाँ पर कहना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है कि दरअसल बात यह है कि चलो अब उनको डर था, वो वहां से चले गए, अब 12 साल के बाद अशोक कुमार सिंह को कोर्ट में पेश करने की क्या जरूरत थी कि मैं गाड़ी चला रहा था, सलमान भाई गाड़ी नहीं चला रहे थे जी। तो ये डिफेंस जो है उनकी अपनी डिफेंस ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज तिवारी जी, अक्सर सलमान खान की जिस तरीके से जो मूवीज हैं, जो फिल्में हैं वो देखी गई जिसमें हीरो का वो जो किरदार है वो निभाते रहे हैं, अक्सर जान बचाते रहे हैं, शायद बचपन से यही देखा गया है फिल्मों में कि जो हीरो है कानून का पालन करते हुए। बिल्कुल, कानून का पालन। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, जैसे कि रजा मुराद जी भी कह रहे थे मनोज तिवारी जी की ठीक है उन्होंने किया, लेकिन अंत में वो उनकी कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो उन्हें मारे, लेकिन 13 साल का जो वक्त है वो कम नहीं होता मनोज तिवारी जी। 13 साल ये सच बताने में बीत गए,
कि हाँ मैं दोषी हूँ, या जो दलीलें दी गई एक के बाद एक कि नहीं मैं नहीं था, ड्राइवर था, मैंने उस दिन जो शराब थी वो नहीं, अभी भी अंजलि अभी भी सलमान खान ये नहीं माने हैं कि वो दोषी हैं। जो चार दिन पहले जो ट्रायल हो रहा था उसमें सलमान खान ने अपने आप को निर्दोष बताया था। ये तो जो अभियोजन पक्ष है, दूसरे पक्ष से उन्होंने तर्क से ये साबित किया है कि इन्होंने दो से, वकील साहब ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। दरअसल जिस तरीके से जी बिल्कुल, मैं आपको माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर राजेश गुप्ता जी इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजेश गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बोलिए। राजेश गुप्ता जी, सलमान खान को आज 5 साल की सजा सुनाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन अभी अंतरिम जमानत उन्हें जरूर दे दी गई है, लेकिन इस तरीके से एक सेलिब्रिटी स्टेटस वाले इंसान के द्वारा इस तरीके का, 13 साल कम नहीं होते, क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे, कितना आप सही फैसला मानते हैं कोर्ट के? देखिए, कोर्ट का फैसला तो मैं नहीं बता सकता कि सही है गलत है, बट जी मैं इतना बताना चाहूंगा। बिल्कुल, कोर्ट के फैसले को सही या गलत हम ठहरा भी नहीं सकते। जी बिल्कुल, हाँ जी जी जी, हम उसको नहीं बता सकते कि उनका फैसला क्या है क्या नहीं है, और उसमें मैं हस्तक्षेप भी नहीं करूंगा। बट मेरा ये मानना है कि सलमान के साथ जो है या हुआ है, जो भी हुआ है, वो तो उस टाइम पर क्या हुआ है वो जानते, बट जो भी हुआ है मेरे ख्याल से तो इंडस्ट्री के लिए बड़ी दुखद ये घटना है। तो आप उनके, उनको जो जेल की सजा हुई है उसको दुखद मानते हैं? मेरे हिसाब से तो दुखद है, क्योंकि 13 साल के बाद अगर आप वापस वहीं से वही घूम के उसी जगह पर आते हैं तो मेरे हिसाब से तो दुखद। तो 13 साल तो सलमान ने खुद लगाए ना? नहीं देखिए, 13 साल तो जान करके केस को, चूंकि सेलिब्रिटी थे, प्रभावित भी किया केस को, केस जो लंबा खींचा है वो उनके सेलिब्रिटी स्टेटस उनका था, इसकी वजह से केस लंबा खींचा, वरना एक आम आदमी के का ये मामला होता तो निपटारा 2 दिन में हो गया होता। देखिए, जहां तक मेरी समझ में है, जब जब सलमान खान को बुलाया गया, सलमान खान तब तक गए हैं और उन्होंने कोई भी मिस नहीं की है डेट, जो जहां तक मेरे ध्यान में है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा है। आपका जो समझना और आपका जो कहना है वो आपका तर्क है, बट मेरा मानना यह है कि उन्होंने अपनी हर डेट को पूरा किया है, और इवन जब वो फॉरेन भी गए तो शायद उनकी परमिशन लेके गए हैं। बिल्कुल, शुक्रिया राजेश जी हमसे जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता अंशुल वर्मा जी जुड़ गए हैं। अंशुल जी, स्वागत है वंदे मातरम में आपका। बताएं पहली प्रतिक्रिया, आप क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से सलमान खान को 13 साल के बाद हिट एंड रन मामले में सजा सुनाई गई लेकिन फिर 2 दिन की राहत मिल गई, क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी? जी अंशुल जी बताएं, लगता है अंशुल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब हम कुछ लोगों की प्रतिक्रिया सुनते हैं, जनता ने भी, जो सलमान के फैन है, सलमान के फैन में भी जो ये जब सजा सुनाई गई थी उसके बाद से प्रतिक्रिया लगातार देखी गई है। सलमान के फैन ने भी इसका विरोध किया, एक तरह से कहें जो फैसले का विरोध नहीं लेकिन आपत्ति, नाराजगी उनको है, उनके फैन को जेल भेजा जा रहा है और उनको काफी नाराजगी है। सुनते हैं क्या कहा है सलमान के फैन ने। लगता है उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम बात करेंगे धर्मेंद्र आर्या जी, एडवोकेट हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से देर हुआ फैसला आने में, इतनी देरी हुई है, आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं आपकी फटर्निटी जो है, जो वकील हैं आप, सच को सच और झूठ को झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी करने की जिम्मेदारी जिसपे होती है, वो चाहे आप इधर से हो चाहे उधर से हो, देरी में कहीं ना कहीं भूमिका वकीलों की ही होती है? ऐसी बात नहीं है कि भूमिका वकीलों की ही होती है, लेकिन दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि पूरे अगर सारे इंडिया के आंकड़े अगर देखे जाएं तो 3,20,00,000 केसेस आज भी केसेस के अंदर, कोर्ट्स के अंदर जो है लंबित पड़े हुए हैं। अगर और कोई नया केस दाखिल ना हो तो अगले 24 वर्ष लगेंगे उन सारे केसेस को डिसाइड करने में और खत्म करने में। यही एक कारण है, क्योंकि एक एक कोर्ट के सामने, जिनके सामने ये मैटर है, 100-100 केस लगे होते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि कई बार गवाह नहीं आता, कई बार सरकारी वकील छुट्टी पर। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे। अंशुल वर्मा जी हमसे जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। अंशुल जी स्वागत है वंदे मातरम में आपका। बताएं पहली प्रतिक्रिया क्या है इस सजा के आने के बाद, और सजा के आने के बाद 2 दिन की अंतरिम राहत भी मिल गई है। जी, न्याय प्रणाली ने अपना समय लिया, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अंत में जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड। एक बात ये है, हम सभी जानते हैं कि एक अच्छे अभिनेता होने के कारण जनता के दिल में उनकी जगह है,
लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते यदि वो किसी घटना में लिप्त पाए जाते हैं तो कानून से बढ़कर कोई नहीं है, ये आज कर दिया। बिल्कुल अंशु जी, आप नेता भी हैं और आप वकील भी हैं, मुझे जहां तक जानकारी है लोग आपकी फर्टिनिटी में कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब कितनी देरी, अब 13 साल हुए, मैंने जो डेट निकाले थे 4,239 दिन तक ये मामला चला, दो दिन और इसमें जोड़ लीजिए 4,341 दिन हो गए, अब कितना दिन और चाहिए जेल भेजने के लिए इनको? जी ये तो कोर्ट तय करेगी, लेकिन कुछ इनके कंडक्ट भी अच्छे रहे हैं, जैसे उन्होंने पहले भी बीइंग इनटू जेल उन्होंने कोई भी अपनी फरलो लागी नहीं, कोई भी निर्धारित समय में हमेशा जाते रहे, तो एक पहलू ये रहेगा कि जिसके लिए बेल कंसिडर की जाएगी, आज की 2 साल की इनको सजा हुई है तो फर्दर उसके लिए इनको राहत मिलेगी, एंड गुड गवर्नमेंट नमस्ते जी। अंशुल वर्मा जी, हालांकि जिस तरीके की दलील दी गई है कि जो सलमान खान की जो तबीयत है वो खराब है और साथ ही साथ उनके द्वारा किए गए कामों पर, उनके द्वारा चलाए जा रहे जो एनजीओ हैं बीइंग ह्यूमन, उनको लेकर भी काफी उनके वकील ने दलील दी गई है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा सुनवाई में? देखिए इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप सभी लोग सुनते भली भांति ये तर्क वैसे हमेशा है, लेकिन अगर कोर्ट ने इसको इतनी संजीदगी दिखाते हुए सही निर्णय दिया है तो ये सब चीज नहीं रहेगी। हाँ हाँ, अग्रिम उसके लिए अपील जरूर डाल सकते हैं, तो उसमें जो उनको तय करेगी तो समझना इनको राहत रहेगी, क्योंकि 5 साल के प्रावधान है, ज्यादा उसमें कोर्ट नहीं खींचेगा जी। तो जी जी चलिए, शुक्रिया अंशुल वर्मा जी, बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे। मनोज तिवारी जी जो कुछ कह रहे हैं उन्हें सुन लेते हैं जी। मनोज जी देखिए, मैं काफी देर से सबकी बातें सुन रहा हूँ जी, और इसमें 3-4 बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो सच है कि जिस परिवार के साथ ये घटना हुई उनकी पीड़ा वो भी एक पीड़ा है। सलमान भाई ने जितना पिछले 13 साल में इस केस में जितनी बार उनको भाग भाग के कोर्ट जाना पड़ा है, अपने सारे कार्य के व्यवधान में सब उनके काफी पीड़ा हुई उनको भी जी। अब जो ये डिसीजन आया है, कोर्ट ने अपना काम किया है, जो चाहने वाले लोग हैं उनको वो दुखी है, क्योंकि 13 साल से सलमान खान को ऑलरेडी परेशान देख रहे हैं उस केस में जी। तो अब आगे इस पे बहुत ज्यादा बहस का कोई गुंजाइश नहीं है, प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से जी। और कोर्ट से ये अपेक्षा करते हैं कि उनके साथ उनके सारे 13 साल की परेशानियां, उनकी गलती को देखते हुए, उनके बिहेव को देखते हुए, क्योंकि रेगुलर कोर्ट आते रहे हैं, कोर्ट उनके साथ थे थोड़ी सी सहानुभूति बरते, लगता है सजा इसी बात बिहेवियर को देखते हुए, सजा तब कम होती है जब वो जेल में होते हैं और अच्छा बिहेवियर करते हैं तो सजा में कटौती होती है। आर्या साहब समझाएंगे इसको जी। बिल्कुल आर्य जी, मैं आपके पास आएंगे, लेकिन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ये बात कही जाती है, लेकिन चलिए इसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। हमारे कुछ जो फिल्मी जगत की हस्तियां, जो तमाम बड़ी हस्तियां हैं, उनका क्या कुछ कहना है सलमान खान पर आए इस फैसले पर, वो आपको सुनवा देते हैं। फीलिंग बैड अबाउट इट, बट वॉट एवर इज अ डिसीजन टेकन बाय द कोर्ट, दे विल डू द राइट थिंग। उनके साथ इतने, उनके लिए इतने सारे गीत मैंने गाए हैं, तो डेफिनेटली पर्सनल तौर पे बहुत ठेस पहुंच रही है, दुख हो रहा है। अगर दिया जाए रिड्यूस सेंटेंस कि क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस को उन्होंने सपोर्ट किया है, बहुत सारा चैरिटी उन्होंने किया है, उसी चीज को मद्देनजर वो उनको रिड्यूस सेंटेंस दिया गया। हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर नलिन रंजन जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है नलिन रंजन जी आपका वंदे मातरम में। थैंक यू जी। नलिन जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे, आज जिस तरीके से सलमान खान को सजा सुनाई गई है, जो पूरा देश है, जो उनके पूरे फैंस हैं, वो काफी दुख में हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? दुख तो हमें बहुत ज्यादा है जी। प्लस आप ये मान के चलिए कि 2,000 करोड़ रुपया सलमान खान के ऊपर लगा हुआ है जी। उनकी जो फिल्म है बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पाओ और नो एंट्री में एंट्री या फिर दबाव की सारे जो पाइपलाइंस में है, तो समझिए कि पूरे इंडस्ट्री का 1,000 करोड़ सलमान खान के ऊपर लगा हुआ है जी। चलिए शुक्रिया नलिन रंजन जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे, फिल्म डायरेक्टर साथ ही साथ अभिनेता भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
फिलहाल हम आपको दिखाते हैं, एक ट्वीट किया है गायक है अभिजीत भट्टाचार्य, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। तो ट्वीट किया है, कुत्ता रोड पे सोएगा तो कुत्ते की मौत मरेगा, रोड गरीब के बाप की नहीं है, मैं एक साल तक बिना घर के रहा लेकिन रोड पर कभी नहीं सोया। ये बात, ये ट्वीट किया है उन्होंने सलमान खान पर जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है। उन्होंने ये भी कहा है कि रोड कार और कुत्तों के लिए है, ना कि लोगों के सोने के लिए, इसमें सलमान की कोई गलती नहीं है। ये ट्वीट किया है अभिजीत भट्टाचार्य ने, और सोचने वाली बात है कि अब कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं काफी आ रही हैं, लेकिन इस ट्वीट के बाद सवाल कई उठ रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंसानियत से बड़ा हीरो कुछ नहीं होता, लेकिन इसके बाद इस ट्वीट पर किस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आती रहेंगी। फिलहाल विवादास्पद बयान है ये। धर्मेंद्र आर्य जी, आपसे जानना चाहूंगी इस तरीके के ट्वीट की, जो रोड है वो कार और जो वाहन है और जो कुत्तों के लिए होती है, ऐसे इंसान सोएंगे तो फिर तो वो तो मरेंगे ही। दरअसल बात यह है, इस तरह के ट्वीट करके लगता है कि ये सारे के सारे लोग जो है अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। माफ कीजिएगा धर्मेंद्र आर्य जी, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ केके मेनन वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है केके मेनन जी आपका वंदे मातरम में। मेनन जी, 13 साल के बाद ये फैसला आया है, और जिस तरीके से फैसला आने के तत्काल बाद दो दिन की अंतरिम राहत दे दी गई फिर से शुक्रवार तक के लिए, क्या लगता है फैसले आने में और देरी हो सकती है, और क्या जमानत मिल सकता है? जमानत उनको इंटरिम बेल ऑलरेडी मिल गई है, वो इसलिए मिली है कि जजमेंट तैयार नहीं था, जजमेंट तैयार नहीं था तो जज साहब को इसका फैसला सुनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि जजमेंट जब तक कॉपी तैयार ना हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मुलजिम को देनी होती है अपराधी को, वो तैयार नहीं थी, तो इस आधार पर उनको इंटरिम बेल मिली है, और उसमें कोई इलीगल फैसला नहीं है, बिल्कुल जायज फैसला है। बिल्कुल मैंने साहब, एक सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से 13 साल लग गए इस फैसले के आने में, मैं इस दो दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 13 साल लग गए, आपको लगता है ये देरी से आया हुआ फैसला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो बहुत से हमारे पास ऐसे केस हैं जो 22-23 साल से चार्ज नहीं लगे हैं, लेकिन चलो जो हो गया सो हो गया, अब तो फैसला आ गया, उस पर चिंतन करो, ना कि पास्ट पे चिंतन किया जाए। अच्छा, क्या आप सलमान खान के पास क्या रास्ता है, क्या वो अब हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपको क्या लगता है केस की मेरिट को देखते हुए? हाई कोर्ट में अपील की जाएगी, वहीं लाई करती है वो जी, सेशन कोर्ट का फैसला है ये, इसकी जो अपील है जी, वो हाई कोर्ट लाई करती है जी। लेकिन मैडम जी, जिस तरीके की दलील सलमान खान के वकील द्वारा दी जा रही है, उनकी तबीयत से रिलेटेड, उनके अच्छे कामों द्वारा जो किए गए काम है, एनजीओ जो उनके चल रहे हैं, क्या उनसे कोई फर्क पड़ेगा आगे होने वाली सुनवाई पे या उनकी जमानत को लेकर? वो डिपेंड करेगा कि फैक्ट्स क्या है, उस पर मैं यहाँ से बैठकर टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझता हूँ जी। चलिए, शुक्रिया केके मेनन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल आपको और भी कुछ प्रतिक्रिया सुना देते हैं, सलमान खान पर आए कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आई हैं वो आपको सुनाते हैं। तो सलमान कई लोगों की कई तरह से मदद करते हैं, और ये जो सजा है काफी सख्त है, हमें यकीन है कि जो अपील के दौरान हमें राहत मिलेगी। फराह खान फिल्म अभिनय जो निर्माते हैं उनका, उन्होंने ये बात कही है, ट्वीट उन्होंने किया है। और आलिया भट्ट अभिनेत्री, ये दुखदायी है जब आपके अपने को सजा मिलती है, भले ही वो गलत हो, हम आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ खड़े हैं। तो फिल्मी जगत की ये तमाम हस्तियां, और ऋषि कपूर अभिनेता, हम सारे कपूर पूरे वक्त में सलमान खान के साथ हैं, ये काफी बुरा वक्त है, भगवान उनकी मदद करे। तो तमाम ये जो ट्वीट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं, और वेल विशर्स हैं तमाम, उनके दोस्त हैं, उनके करीबी, उनके साथ ऐसा लगा कि पूरा बॉलीवुड उनके साथ खड़ा है। ठीक है, अपने फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उनके उनके बॉलीवुड के जितने भी उनके दोस्त हैं, उनके प्रोड्यूसर हैं, उनके निर्माता निर्देशक जो भी है उनके साथ खड़े हैं। और लेकिन साथ में एक चीज और ये भी मैं कहूंगा कि यहाँ पर सब ये जरूर कह रहे हैं कि उन्हें सजा मिली है, सही मिली है, लेकिन उन्हें दुख है, दुख जताना ठीक है, अपने दोस्तों के को अगर सजा मिलती है तो दुख तो होता ही है, काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, लोगों को दुख है, उनके फैन को भी दुख है, तो उनके बॉलीवुड में जो उनके दोस्त हैं उनको भी दुख है। हमारे साथ माजिद मेनन से भी हम बात कर रहे थे, माजिद मेनन से भी बात की थी हमारी संवाददाता नीलम शुक्ला ने, देखते हैं क्या कहा उस बातचीत में माजिद मेनन साहब ने।
5 साल की सजा हुई है। हमारे साथ एनसीबी के सांसद और सीनियर वकील माजिद मेनन जी है। मेनन साहब, जिस तरह से सजा सुनाई गई है, अब क्या क्या तरीके बचे हैं सलमान खान के पास बचने के लिए? सलमान के पास एक विकल्प बड़ा यह है कि उसका संवैधानिक अधिकार है कि शिक्षा के खिलाफ वो पहली अपील में उच्च न्यायालय जा सकता है, और यकीनी तौर पर वो उनके वकील तुरंत हुक लगाकर हाईकोर्ट की तरफ दरवाजा खटखटाएंगे और उन्हें वहां पर अपील भी दर्ज करवानी होगी इस फैसले के खिलाफ, और जमानत की याचिका भी करनी होगी जिस पर सुनवाई होकर उसके जमानत के मिल जाने के इम्कान खुले हैं। बार बार ये आरोप लगता है कि सेलिब्रिटी होने के नाते देर की गई सजा, देर से मिली, क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, ये बात तो सही है कि इस मामले में 13 वर्ष का लंबा काल बीत चुका, जो एक बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन है। ऐसे मामलों में साल दो साल में निवाड़ा हो जाना चाहिए। 13 वर्ष तक के अगर ये मुकदमा पेंडिंग रहा तो पीड़ित के लिए भी नाइंसाफी हुई और यहाँ तक के आरोपी के लिए भी नाइंसाफी हुई कि उसके सर पर ये आरोप के बादल मंडलाते रहे इतने लंबे अरसे तक। तो ये हमारी न्याय प्रणाली के लिए एक अच्छी बात नहीं है कि ऐसे मामले इतना लंबा विलंब तक के पेंडिंग रहे, और इतना लंबा इंतजार के बाद आज न्याय हुआ है तो अब लोगों को ऐसी उम्मीद नजर आती है कि सलमान चाहे एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हों, बहुत ही नामवर और कई लाखों लोग उनके फैंस हों, उसके बावजूद भी कानून ने अपना काम किया है। ऐसे ही सही सजा मिली तो क्या समाज में एक संदेश जाएगा कि चाहे कोई भी हो कानून से बड़ा नहीं है? बिल्कुल, समाज में ये संदेश जाना बहुत आवश्यक है। जैसा कि अंग्रेजी में एक छोटा सा वाक्य है कि बी यू एवर सो हाई द लॉ इज अबव यू, आप चाहे कितने ही ऊंचे क्यों ना हो, धनी हो, पैसे वाले हो, सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिशियन हो, पावरफुल आदमी हो, जो भी हो, आप समाज का हिस्सा, मगर आपके ऊपर कानून है, ये आप ना भूलें, ये एक संदेश जरूर जाता है। तो कानून इस देश में सबसे बड़ा है और सलमान खान के मामले में यही संदेश जनता के बीच गया है। जी बिल्कुल, धर्मेंद्र आर्य जी हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र आर्य जी, इस पूरे मामले को देखा जाए, काफी देरी हुई है फैसले में, पीड़ित पक्ष की अगर यहाँ पर बात की जाए, पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि अब देरी तो वैसे भी हो ही गई है, ऐसे में हम चाहते हैं कि सलमान खान को भी सजा ना हो और साथ ही साथ हमें न्याय भी मिल जाए। क्या इसे कहें, क्या इसके ये मायने निकाले जाए कि आउट ऑफ द कोर्ट जाकर पूरा सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि देरी तो हो ही गई है? देखिए, दरअसल बात यह है कि अगर मान लो सलमान खान और पीड़ित पक्ष दोनों आपस में मिल जाते हैं जी, तो वो जो है कोर्ट में जाकर के इस चीज का एक जो है इनको काफी बेनिफिट मिल जाएगा। अगर पीड़ित पक्ष जो है वो वहां कोर्ट में खड़ा होकर के कह देता है कि हमें जो है इन्होंने प्रॉपर कंपनसेशन दे दिया है और अब जो है हमारे अब किसी तरह का हमें कोई जो है इनके अगेंस्ट ग्रीवेंसेस नहीं है, तो ये सजा कम करने के लिए ये भी एक ग्राउंड बन सकता है। वैसे आर्य साहब, क्या आपको लगता है ये तो स्टेट का ही मामला, जो स्टेट है वो भी केस दर्ज कर सकती है अपने तरीके से, अगर आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर भी लेते हैं नहीं, तो पर भी जो सरकारी नहीं, देखिए दरअसल बात यह है वो सेंटेंस पर जो है ये सारी बातें जिस समय, क्योंकि कन्विक्शन तो हो चुका है, बिल्कुल देखिए जजमेंट आ चुका है, कन्विक्शन हो चुका है, अगर मान लो ये जाकर के जैसे कन्विक्शन को चैलेंज नहीं करती और केवल मात्र जो है सेंटेंस पर ये बात कहते हैं, या फिर कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों को चैलेंज करते हैं और उसके साथ साथ ये कह देते हैं कि हमने पीड़ित पक्ष को जो है प्रॉपर जो है कंपनसेट कर दिया है और उसके साथ साथ हमारा समाज के प्रति भी जो है दायित्व जो बनता था, हम जो है जब से ये एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद हमारे जो है व्यवहार में काफी बदलाव आया है और उसके बाद हमने काफी समाज सेवा की है, उसके आंकड़े भी वो कोर्ट के सामने रख सकते हैं। हालांकि जिस समय कोर्ट सजा देता है उस समय इन सारी चीजों को कंसीडर करता है, अगर वो पाता है कि व्यक्ति के व्यवहार में वाकई ही चेंजेस आए हैं और समाज के प्रति उसने जो है सचेत हुआ है, समाज के प्रति जो है समाज के जो दर्द है उसको समझा है और समाज के लिए उसने समाज में काफी सेवा की है और लोगों के ऊपर काफी उसका उपकार है, तो इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए सजा कम की जा सकती है। ओके, अभी हमारे साथ आर्य साहब, एक जो पीड़ित हैं उनका भी बयान आया है, उनको भी सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले। मुस्लिम शेख का नाम हमारे साथ, अभी सुन लेते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। रात 2:30 बजे रात के हुआ था यह हादसा, सोए थे हम लोग, उसमें अचानक आवाज आई, हमारी आँख खुली तो हमने यही देखा गाड़ी के नीचे थे, हाँ पब्लिक हमको बाहर निकाले, उसके बाद में सलमान खान ड्राइवर के सीट से उतरते हुए देखा। बिल्कुल, तो पीड़ित मुस्लिम शेख की आप बात सुन रहे थे किस तरीके से उन्होंने बयां किया है कि उस रात आखिर हुआ क्या था।
बिल्कुल देखिए, आरोप जो लगे हैं उन पे उस पर फैसला आ चुका है, सेशन कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। जो 13 साल तक जिरह चली थी उसके बाद से जो है ये मामला आया है। अब आगे जो अपर कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट से पहले जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में ये मामला जा रहा है और मेरे ख्याल से अपील जा चुकी है वहां पे, तो वहां पर वो क्या आर्गुमेंट देते हैं और उस पर क्या फैसला होता है, मेरे ख्याल से आर्या साहब हमारे साथ हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। आर्या साहब, क्या लगता है, जो दलीलें पिछले सेशन कोर्ट के दौरान दी गई थी वही दलीलें वहां भी चलेंगी या उसमें? यह है कि अब ये जो है हाई कोर्ट में इस जो जजमेंट है कन्विक्शन का, इसको भी चैलेंज करेंगे और जो ऑर्डर ऑन सेंटेंस है इन दोनों को चैलेंज करेंगे। एक चीज ये भी सर, इस देरी के लिए जिम्मेदार किसको मानेंगे? ये जो आप देरी को ग्राउंड बना करके आप कंपनसेशन मांग रहे हैं, जो इस देरी को आधार बना करके उनकी सजा को कम किया, आखिर देरी के लिए जिम्मेदार भी तो? इसमें क्या है कि सारी की सारी फाइल कोर्ट के सामने जाएगी और वहां कोर्ट जो है जितनी भी पेशियां हुई हैं उन सारी को कंसीडर करते हुए कि क्या डिफेंस काउंसिल की वजह से देरी हुई है या प्रोसिक्यूशन की तरफ से देरी हुई है, इन सबको कंसीडर करेगा जी, क्योंकि उसके बाद ही कोर्ट डिसाइड करेगा कि एक व्यक्ति जो 13 साल तक सफर करता है और हर रोजाना अदालत में पहुंचता है तो ये भी एक किस्म की सजा ही है जी। अगर सारा काउंट कर लिया जाए, इतने दिन उसने काम छोड़ा, इतने दिन उससे पहले भी वो तैयारी भी करता रहा केस की और वो सब करता रहा, तब तो ये आर्या साहब आपने भी कहा कि बहुत सारी केसेस जो है वो पेंडिंग है दसों साल से, वहां पर अगर मान लो उसमें भी तब इसी तरीके के फैसले होने चाहिए। एक तरह का फैसला मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये सारी चीजें जब कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने पूरी फाइल जाएगी तो हाई कोर्ट इन सारी चीजों को कंसीडर करेंगे, क्योंकि क्या है कि अगर मान लो कोर्ट के पास समय ही नहीं था तो इसमें मुलजिम या जो है जो प्रोसिक्यूशन है इसमें किसी का भी कसूर नहीं है क्योंकि कोर्ट के पास ही समय नहीं है। अब ये सारी की सारी बातें कंसीडर करती है और ये सारी की सारे सेंटेंस के टाइम में जो है इन सारी चीजों को बिल्कुल। एक दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं पहले। मेरी जो राय है इसमें ये है कि सलमान खान को कम से कम 3 साल की सजा होनी चाहिए मेरे हिसाब से, सजा को मिलनी चाहिए। उन्होंने दोषियों को, जो दोषी नहीं थे उनको भी तमाम दर्शक भी हमें कॉल कर सकते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं वो अभी कह सकते हैं फिलहाल। हालांकि अब सवाल सलमान खान को लेकर उठ रहा है तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र आर्य जी यहाँ पर सवाल दलीलों को। एक चीज और हम अपने दर्शकों को बता दें अंजलि की, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और ईमेल vm@sadhana.com पे आप ईमेल भी मुझे कर सकते हैं और ईमेल के जरिए अपनी राय सीधे रख सकते हैं वंदे मातरम के। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा और इस पर जिस तरीके का भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं, जिस तरीके की प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं व्हाट्सएप के जरिए और SMS के जरिए भी आप भेज सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं आप हमें जी। धर्मेंद्र आर्य जी, दलीलों की यहाँ पर बात चल रही थी, सेशन कोर्ट में जो दलीलें दी गई हैं उसमें कहीं से भी नहीं लग रहा है कि जो उन पर आरोप, हालांकि आरोप साबित हो गए हैं लेकिन आरोपों को अभी भी नहीं माना जा रहा है। सलमान खान के वकील लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल ये आरोप नहीं सही है, लेकिन अब जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट में जाएगा, परसों सुनवाई होनी है, क्या उस दौरान भी इस तरीके की जो अपील है वो देरी कर सकती है या जमानत को लेकर जो बॉम्बे कोर्ट में सुनवाई जो होगी उस पर इसका कोई असर पड़ेगा इन दलीलों को लेकर? दरअसल क्या है, मैं आपको जो बता दूं, क्योंकि क्या है कि अभी तो ये अपील फाइल करेंगे जी, उसके बाद जाकर के जो है प्रोसिक्यूशन को नोटिस होगा, फिर दोनों पक्षों की बहस होगी और अगर कोर्ट मांगता है कि इनके जो है ग्राउंड जो है काफी सॉलिड ग्राउंड है, उसके बाद अपील एडमिट होगी। एडमिट होने के बाद जो है उसके बाद फाइनल बहस के लिए कब आती है, रेगुलर बहस, उसमें समय भी लग सकता है, जरूरी नहीं कि अपील एडमिट होते ही जो है उसके ऊपर सुनवाई हो जाए। और उसके बाद जहां तक रही बात इनकी जो एप्लीकेशन होगी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, यानी कि बेल की जो एप्लीकेशन ये लगाएंगे उसको कोर्ट कंसीडर कर सकता है इस स्टेज के ऊपर। अगर कोर्ट पाता है कि उनके ग्राउंड्स के अंदर काफी दम है और तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर और बाकी ये देखते हुए अभी जिस ग्राउंड पे उनको 2 दिन की मोहलत दी गई है वो ग्राउंड ये है कि उनको पेपर नहीं मिले, टेक्निकल ग्राउंड है, देखिए वो प्रैक्टिकल ग्राउंड है। 2 दिन के बाद जब पेपर उनके हाथ में दे दिया जाएगा तो क्या उस समय वो जेल भेजे जाएंगे सीधे या उसके बाद फिर जो है बेल पे? दरअसल बात यह है ये पेपर तो आज शाम तक उनको मिल जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि हालांकि कोर्ट को जो है इतना जल्दबाजी अब कोर्ट ने जो दिखाई है ये पेपर जो है बिल्कुल पूरे तैयार करने के बाद ही जो है उनको हैंडओवर करने चाहिए थे और तभी प्रोनाउंस करना चाहिए था ये सब, क्योंकि क्या है कि अभी देखिए उनको एक टेक्निकल ग्राउंड मिल गया कि ये डॉक्यूमेंट सबको नहीं दिए गए हैं, ये जो जजमेंट की कॉपी है जो कि मुलजिम को फ्री ऑफ कॉस्ट उसी टाइम जो है सर्टिफाइड कॉपी मुहैया कराई जानी चाहिए जिस समय आप जजमेंट अनाउंस करते हैं,
और उसके साथ साथ ऑर्डर ऑफ सेंटेंस जैसे ही आपने लिखा दिया उसके साथ की साथ उसकी कॉपी निकाल करके उसको अटेस्ट करके मुलजिम को दे देनी चाहिए ताकि जो है उसे पता चले कि किन ग्राउंड्स पर उसको सजा हुई है और फिर वो अपने आगे आगे का डिफेंस भी तैयार कर सके। जी बिल्कुल धर्मेंद्र राज जी आपके पास आएंगे, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं उन्हें भी सुन लेते हैं। ये जो सलमान खान का आज मुद्दा उठा है इस पर मैं अपनी राय देना चाहती हूँ। ये सलमान खान की जो 10 साल की सजा को अभी बंद करने की बात की गई है इस पर ये एक गलत चीज है क्योंकि जो लोग इसमें जिनको हुई थी ये प्रॉब्लम उन लोगों की तो प्रॉब्लम नहीं खत्म हो सकती ना, या तो सरकार उन लोगों को कुछ दे राहत दे। और जो सलमान खान की सजा है इस पर बहुत गलत चीज है और सलमान खान को सजा होनी चाहिए इस बात पर, चाहे वो ठीक है सुपरस्टार है अपनी जगह पर है लेकिन लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई है उनके साथ में, वो रोड पर लोग सोते थे रहते थे लेकिन ये बहुत गलत किया, इनके सजा देनी चाहिए। चलिए अलग सबकी अपनी अपनी सोच है और रोल मॉडल हैं, सेलिब्रिटी हैं तो तमाम फैन फॉलोइंग्स भी हैं और जनता की भी राय आपको सुनवाते हैं। जनता का क्या कुछ कहना क्योंकि पूरे देश ने आज देखा है कि उनका रोल मॉडल है सलमान खान, कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है और दुख है भारतीयों में और ना सिर्फ भारतीयों में पूरे देश दुनिया ने देखा है क्योंकि जी बिल्कुल उनके फैन है उनके भीतर में एक तरह से जबरदस्त प्रतिक्रिया है, वो काफी प्रतिक्रिया दे रहे हैं रोड से। एक बार पहले सुन लेते हैं क्या कहना है उनके फैन का। देखा जाए तो बुरा तो लग ही रहा है, सलमान खान के हम लोग बहुत बड़े फैन है, हमारा पूरा ग्रुप उसके उसको देख के हम लोग साइकिलिंग स्टार्ट किए, उसका देख के हम लोग उसको हर चीज उसकी फॉलो करते हैं सलमान खान की। हमको लग रहा है कि हो सके इतना हो सके सलमान खान को सजा ना ही हो। सलमान हमारे लिए और यंगस्टर्स के लिए बहुत सारे चीज़ों में हमारे लिए इंस्पिरेशन रहा हुआ, मोटिवेशन है, तो बुरा तो जरूर लग रहा है लेकिन उसने अगर कुछ गलती की है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो गलती की है तो सजा भी मिलेगी सलमान खान के फैंस का ये कहना है। हालांकि इस देश में जो सेलिब्रिटी को भगवान की तरह माना जाता है लेकिन कहीं ना कहीं वो आखिर में इंसान ही है और आज उस इंसान को जरूर सजा मिली है। और एक बात स्पष्ट हो गई है कि इस देश में कानून से बड़ा कोई नहीं होता और अगर होता है तो वो होती है इंसानियत, जो शायद सलमान खान ने अगर वो 13 साल पहले दिखाई होती तो शायद इतना न्याय मिलने में इतनी देरी नहीं होती। फिलहाल वंदे मातरम में आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ धर्मेंद्र आर्य जी जुड़े हुए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, एडवोकेट हैं, और साथ ही साथ मनोज तिवारी जी बीजेपी सांसद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, के मैनन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में फोनों पर हमारे साथ रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है कि सलमान खान से जो गलती हुई है उस पर न्याय जरूर आज एक रिलीफ फील कर रहे होंगे जो पीड़ित हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड हुआ है। लेकिन आज एक रात की सांस लिए, देखना ये आगे होगा कि आगे आकर जो बॉम्बे हाईकोर्ट में जो जमानत के लिए उन्होंने अपील किया है उस पर परसों क्या कुछ फैसला आता है। तो वंदे मातरम में फिलहाल आज इतना ही, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि हम आपको छोड़े जाते हैं पब्लिक पंच के साथ। नमस्कार। नमस्कार। पुत्र पिता से, पिताजी नेताओं के कपड़ों का रंग सफेद क्यों होता है? पिता, बेटा ताकि दल बदलने पर भी कपड़े ना बदलने पड़े। ओबामा लालू से, लालू तुम्हें स्विमिंग आती है? लालू ना। ओबामा शिट, तेरे से तो मेरा कुत्ता अच्छा है जो स्विमिंग कर लेता है। लालू तुमको आता है स्विमिंग? वा ओबामा, या ऑफकोर्स आई नो स्विमिंग। लालू ससुरा, फिर तोहरे और कुत्ता में फर्क का है बे? एक बार चार शराबी दोस्त एक पब में गए। कुछ देर तक लगातार पैक के गिलास खाली करने के बाद एक बोला, आज हम सब तब तक पियेंगे जब तक वे सामने वाले 3 पेड़ 6 न दिखने लगे। तभी पब मैनेजर चिल्ला कर बोला, बस करो नालायको, बस करो, सामने एक ही पेड़ है। लालू से एक एयर होस्टेस ने पूछा, आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? लालू आई एम इंडियन। एयर होस्टेस, नो नो सर, यू आर शाकाहारी और मांसाहारी? लालू आई एम बिहारी। पिता, और बेटा तुम्हारा इम्तिहान कैसा हुआ? पप्पू, उन्होंने ऐसे सवाल पूछे जो मुझे पता ही नहीं था। पिता, तो
तो मैंने भी ऐसे जवाब लिख दिए जो उनको नहीं पता होंगे। ये देखिए, अब इंश्योरेंस सिर्फ एक रुपए में, ऐसा कैसे? हाँ बेटा, क्योंकि हमारे पीएम लाए हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बेटा, अगर कल को मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मेरे बाद पापा। मेरे बाद 2 लाख रुपए का बीमा तुम लोगों को मिलेगा, या फिर विकलांगता की स्थिति हुई तब भी 2 लाख तक मिलेगा। तो क्या इस योजना का लाभ हम भी उठा सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं,